जिंदगी में मुश्किलात आते रहते हैं, वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उसके बावजूद भी इसने स्ट्रगल किए हैं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके इरादे पक्का हो ना तो कुछ भी पॉसिबल है। सोशल एक्टिविस्ट बनना इसका एक ख्वाब था, लेकिन आज वही एक स्टार बन के हम कह सकते हैं कि बड़गाम से एक स्टार बन के उभर के निकले हैं। हम यूथ आइकॉन भी कह सकते हैं, आपको हम मुबारकबाद भी पेश करना चाहेंगे, क्योंकि सोशल एक्टिविज्म तो आप करते ही हो, लेकिन आप जिला बड़गाम की जानिब से बात करेंगे, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी बना दिया गया है, उसके लिए हम तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरा सपना ये पूरा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं वो भी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा मिले। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, अभी हम लाल चौक में मौजूद हैं, यानी कि स्मार्ट सिटी में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक खास शख्स के साथ हमारी मुलाकात हुई है जो किसी तारफ के मोहताज भी नहीं है, जिला बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट मुजम्मिल महमूद साहब हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा आपसे, सोशल एक्टिविज्म आप कर रहे हो, बड़गाम से आप ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका मोटिव है क्या? एजाज साहब, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लब कुशाई करने का मौका दिया। और ये जो सोशल एक्टिविज्म का जो सिलसिला है ये मैंने 2016 से स्टार्ट किया था, और मैं डिग्री कॉलेज बीरवा में बीए कर रहा था और 2016 में मेरा फाइनल ईयर था। 2016 में मैंने सोशल एक्टिविज्म स्टार्ट किया है। सोशल एक्टिविज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स हम अराउंड द ईयर डिफरेंट एरियाज़ में हम करा रहे हैं, क्लीनर्स ड्राइवर्स हम चला रहे हैं, बंग डिस्ट्रॉयर ड्राइवर्स हम चला रहे हैं, ड्रग एडिक्शन पे हम काम कर रहे हैं। भीरवा में आज तक जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप्स हुए हैं वो हम ही ऑर्गेनाइज करते आए हैं। इसके अलावा हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, साइकिल रोड रेस भी करवाते हैं। इन सब का मेन मोटिव ये है कि अगर हम वादी की बात करेंगे, वादी में 6 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, और हम ड्रग्स को रोकना चाहते हैं, हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स फील्ड में देखना चाहते हैं, उनको हम डिफरेंट को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में देखना चाहते हैं, उनको हम KSIS में देखना चाहते हैं। अगर हम ज़िला इंतजामिया बड़गाम की बात करेंगे, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है वहाँ पर? बहुत पहले मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन आजकल के डेट में मुझे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करती है। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा जिन्होंने आज तक हमें सपोर्ट किया वो SDM भीरवा है डॉक्टर तौफीक अहमद गाजी साहब, उसके बाद BMO भीरवा डॉक्टर जायद अहमद गनाई साहब, जो हर वक्त हमें हेल्प करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे वो ड्रग डिडिशन का इवेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमें मैन पावर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, वो बिल्कुल करते हैं। और उसमें साथ साथ मैं SDPO मागम डॉक्टर आफ्ताब आवान साहब का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो वक्तन फ़ौक्तन हमारी हेल्प करते हैं। SHO बीरवा मुदसर नसीर साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एक्स म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन थे खुर्शीद अहमद बांडे साहब, उनका भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले सोशल एक्टिविज्म करते हैं, कहीं ना कहीं फिर सियासत में चले जाते हैं, क्या आपका भी इरादा ऐसा ही है? जी देखिए, फ़िलहाल मैं पिछले 8 सालों से ऑन ग्राउंड काम करके आया हूं, और इंशाल्लाह मेरा जो मेन ड्रीम है, मेरा जो मेन फोकस है, वो मैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता हूं, और इंशाल्लाह मेरा आगे भी यही विजन रहेगा कि मैं लोगों के लिए काम करूं। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करोगे? आज अभी लाल चौक में हम मौजूद हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर मौजूद हैं, आवाम आपको आज देख रही है, आप लोगों के साथ ये वादा करते हो आज कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता हूँ या पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ? जी देखिए, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हमने देखे हैं वादी कश्मीर के अंदर, जो पहले सोशल एक्टिविज्म करते हैं, कहीं ना कहीं अपना नाम बनाते हैं, अपना फील्ड बनाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, आपका इरादा क्या है? जी देखिए, मैंने अभी आपको कहा है कि जो मेरा मेन ड्रीम है वो सोशल वेलफेयर है, और मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं पार्टी में जाऊं, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए नहीं बल्कि पूरी वादी के लिए काम करना चाहता हूं। मैं तन मन लगन के साथ सोशल वेलफेयर करना चाहता हूं, सोशल वर्क्स करना चाहता हूं, और अपने आवाम के लिए मैं काम करना चाहता हूं। ड्रग्स की बात करेंगे, ड्रग्स कहीं ना कहीं पीक पे है, हमारी यूथ जो है वो मंशिया जैसी चीज़ों में मुबतला होती है। पुलिस की बात करेंगे, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आए रोज़ जो है वो ड्रग पहले उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बावजूद भी ड्रग्स में इजाफा होता जा रहा है, यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी, हम कैसे ड्रग्स पर काबू कर सकते हैं? जी देखिए, मैंने जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, और हमारे बड़गाम में बहुत कम अभी ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स फील्ड में आए। स्पोर्ट्स एक ऐसा क्यूरिकुलम है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक इंसान करियर ब्राइड कर सकता है। हमारे बड़गाम से काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल में हिस्सा लिया है, और हम चाहते हैं न कि सिर्फ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरे वादी में जो टैलेंट है वो बाहर आए, और पूरे वादी के जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो भी आगे आए, अपने आप को नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल,
کشمیر میں سوشل ایکٹیویزم کرنا یا ایک سوشل بہت سارے سوشل ایکٹیویسٹ ہم نے دیکھے ہیں وادی کشمیر کے اندر جو پہلے سوشل ایکٹیویزم کرتے ہیں کہنے کہ اپنا نام بناتے ہیں اپنا فیلڈ بناتے ہیں اس کے بعد کہنے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں آپ کا ارادہ کیا ہے جی دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ جو میرا مین ڈریم ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے اور مجھے کافی سارے آفرز آ رہے ہیں پارٹیز کی طرف سے لیکن فی الحال میرا کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ میں پارٹی میں جاؤں لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں ڈسٹرکٹ بڈگام کے لیے نہیں بلکہ پوری وادی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں میں تن من لگن کے ساتھ سوشل ویلفیئر کرنا چاہتا ہوں سوشل ورکس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے عوام کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں ڈرگس کی بات کریں گے ڈرگس کے نہ کہیں پیک پہ ہیں ہماری یوتھ جو ہیں وہ منشیات جیسی چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے پولیس کی بات کریں گے پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن آئے روز جو ہے وہ ڈرگ پہلے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ڈرگس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یوتھ کے لیے کیا میسج رہے گی ہم کیسے ڈرگس پہ قابو کر سکتے ہیں جی دیکھیں میں نے جہاں تک میں نے سروے کیا ہے اور ہمارے بڈگام میں بہت کم ابھی ڈرگس میں بچے انوالو ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سپورٹس فیلڈ میں آئے سپورٹس ایک ایسا کیوریکولم ہے ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ایک انسان کیریئر برائڈ کر سکتا ہے ہمارے بڈگام سے کافی سارے بچے جنہوں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول میں حصہ لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں نہ کہ صرف بڈگام ڈسٹرکٹ سے بلکہ پورے وادی میں جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے اور پورے وادی کے جو یوتھ ہے ینگ جنریشن ہے وہ بھی آگے آئے اپنے آپ کو نیشنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرے جی دیکھیے پریشانیاں ہمیشہ ہر ایک کام میں اٹھانی پڑتی ہے تکلیفیں ہر ایک کام میں اٹھانی پڑتی ہے میں نے بھی کافی تکلیفیں جھیلی ہیں لیکن شکر الحمدللہ آج مجھے ایڈمنسٹریشن کا بھی تھوڑا بہت سپورٹ مل رہا ہے لیکن اگر مجھے اور بھی زیادہ سپورٹ ملے گا میں انشاءاللہ پوری وادی میں کام کر کے دکھاؤں شوق آپ کو پہلے سے ہی تھا کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بنوں سماج کے لیے کام کروں سماج کے لیے خدمت کروں یہ پہلے سے ہی آپ نے شوق بنا کے رکھا تھا جی بالکل ایکچولی میرے جو والد صاحب تھے وہ سوشل ورکس کرتے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے وہاں سے مجھے انسپریشن ملی وہاں سے مجھے میں انسپائر ہو گیا کہ مجھے سوشل ورک کرنا ہے اور انشاءاللہ میں لوگوں کے لیے کام کروں گا والد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی وہ 2011 میں ہوئی ہے اس ٹائم پہ میں 10th میں پڑھ رہا تھا اور اس ٹائم پہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے پھر اس کے بعد 2016 میں سوشل ایکٹیویزم کو چنا ہے اور میں فائنل ایئر میں پڑھ رہا تھا اور ڈگری کالج بھیروا سے میں نے اس مشن کو چنا ہے اور میں وہاں کالج کا والنٹیئر بھی رہا تھا اور میں ایز اے این ایس ایس والنٹیئر بھی میں نے کام کیا ہے وہاں پر جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتے تھے میں ان میں پارٹ لیتا تھا چاہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی چاہے وہ این ایس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتے تھے میں نے سول ڈیفینس ایز والنٹیئر بھی رہا ہوں میں نے اس میں بھی کام کیا ہے اور میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آگے آئے سوسائٹی کے لیے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائے